हेलो दोस्तों, मैं हूं करनेश। तो इस तरह की आप लोग कार्टून वीडियो बना सकते हैं अपने फ़ोन की मदद से बिल्कुल फ्री में। तो आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना टाइम देते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। को बनाने के लिए फ्रेंड्स आपको चार एप्लीकेशन की जरूरत होगी, जिसमें सबसे पहला है इमेज सर्च मैन, दूसरा है क्रोमा टूंस, तीसरा है रियल एनिमल HD और चौथा है काइन मास्टर। ये सभी एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको ओपन करना है इमेज सर्च मैन ऐप को, और यहाँ से आपको एक कार्टून बैकग्राउंड इमेज डाउनलोड करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये सर्च बॉक्स से इसमें लिखते हैं कार्टून बैकग्राउंड इमेज। इतना लिख के जैसे सर्च करोगे आपके सामने बहुत सारे बैकग्राउंड इमेज आ जाएंगे, आपको जो भी अच्छा लगता है उसके डाउनलोड कर लेना। चलिए मैं यहाँ से एक डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इस तीर वाले निशान पर आपको क्लिक कर देना है, डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद हमें ओपन करना है क्रोमा टूंस ऐप को, तो चलिए मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको लिस्ट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है। अब आप यहाँ देखेंगे चार कैरेक्टर आ चुके हैं, लेकिन हमें हमारी कहानी के हिसाब से सिर्फ एक कैरेक्टर चाहिए। उसके लिए यहाँ जो कैरेक्टर वाला लोगो बना है इस पर हमें क्लिक कर देना है, और सबसे पहले वाले में हमें विलेज मैन सिलेक्ट कर लेना है और बाकी तीन को नन कर देना है। अब अगर इस करेक्टर को आपको इधर उधर मूव करना है तो उसके लिए ये मूव वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप इसे कहीं भी रख सकते हैं। और फ्रेंड्स ये इस तरफ देख रहा है, लेकिन हमें चाहिए कि ये इधर देखे। उसके लिए ये जो प्लस वाला आइकन है इस पर क्लिक करके, और इधर कोने में देखेंगे आप फ्लिप का एक ऑप्शन है, इस पर टिक लगाते ही करेक्टर की दिशा बदल जाएगी। इसके बाद हमारी कहानी के हिसाब से इसके हाथ में एक लाठी होनी चाहिए। उसके लिए यहाँ पे जो टोपी की तरह आइकन बना है उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने चार ऑप्शन आएंगे, हमें सबसे पहले वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे कई आइटम आ चुके हैं, इनमें से आप कोई भी इसके हाथ में दे सकते हैं, लेकिन हमारी कहानी के हिसाब से एक लाठी होनी चाहिए जो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको कस्टम पे क्लिक करके इसे ऐड करना होगा। फ्रेंड्स हमने लाठी का PNG डाउनलोड करके रख लिया है, तो उसके लिए हम चलते हैं अपने गैलरी में और यहाँ से लाठी वाला PNG सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से इसका बैकग्राउंड ग्रीन करेंगे, उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ग्रीन बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद हमें फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ से इस कैरेक्टर की एक्टिंग को हम सेट करेंगे कि हमें इसकी कैसी एक्टिंग चाहिए। उसके लिए आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, आपको अपने हिसाब से करना है, अपनी कहानी के हिसाब से। तो चलिए मैं फटाफट इसे सेट कर लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसके सारे मोमेंट सेट कर लिए हैं, अब यहाँ से ओके कर देते हैं। इसके बाद अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्ड चालू कर लेना है, और यहाँ जो रिकॉर्ड का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद इस कैरेक्टर के ऊपर जैसे ही टाइप करोगे ये मोमेंट करना शुरू कर देगा। जितने भी मोमेंट वहाँ पे सेट किए हैं उतनी बार आप इसे क्लिक करोगे और ये उतने एक्टिंग करेगा, आपको इसे रिकॉर्ड कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ जो क्रोमा टूंस का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ ओके पे क्लिक करना है, और अब आपका यहाँ से काम ख़त्म हुआ, इसे क्लोज कर देना है। तो चलिए अब ओपन करते हैं रियल एनिमल HD ऐप को। अब आपको यहाँ सबसे पहले वाले पे क्लिक करना है। इसके बाद जो गोल प्ले बटन बनी है इस पर आपको क्लिक करना है, ये जितनी बार आएगी इस पर आपको क्लिक करते जाना है। तो चलिए हम फिर से क्लिक कर रहे हैं, इसके बाद और क्लिक करते हैं, इस पर फिर से क्लिक करना है। बस अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। और फ्रेंड्स इस ऐप की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप किसी भी ऐप को नहीं चला पाते हैं, तो इसको आप ज़रूर चला पाएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बहुत आसान तरीका होता है इसको चलाने के लिए। फ्रेंड्स इसमें एनिमल्स ऐड करने के लिए बहुत आसान तरीका होता है, बस आपको कहीं भी क्लिक कर देना है, तुरंत एनिमल्स ऐड हो जाएंगे। जितनी बार आप क्लिक करोगे अलग अलग तरह के एनिमल्स ऐड होते जाएंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, जैसे क्लिक किया एनिमल्स आ गया, अभी दोबारा क्लिक करेंगे दूसरा एनिमल्स आ जाएगा। यानी जितनी बार आप क्लिक करोगे इसमें अलग अलग तरह के एनिमल्स आते जाएंगे, इसमें कई एनिमल्स आते हैं। और फ्रेंड्स अब आपको बता दें कि इसे अगर आपको मूव कराना है उसके लिए आपको क्या करना होगा। ये इधर जा रहा है, अभी हमें ज़रूरत है कि नहीं तो इधर नहीं जाएगा, इधर जाएगा। तो उसके लिए इस पर टाइप करोगे ये इधर चलने लगेगा, फिर से टाइप कर दोगे इधर को, मतलब इधर को आपको स्लाइड करना है, जिस तरफ को आपको ले जाना है बस उस तरफ को इस पर टच करके स्लाइड कर देना है। जैसे अभी ये क्या कौन सा जानवर है इसका नाम नहीं पता है, ये जा रहा है, ये इधर जा रहा है, हमें इसकी दिशा मोड़नी है, इधर करनी है, तो ये इधर को चलने लगेगा। ये देखिए ये इधर जा रहा है, इसको भी इधर ही हम जाने देते हैं। ये देखिए इसको जिस तरह से चाहोगे उस तरह से आप इस पर टच करके और स्लाइड करोगे इसकी दिशा बदल जाएगी। अभी आपको चाहिए कि कोई और एनिमल हो तो उसके लिए फिर से आप टाइप करोगे, वो आ जाएगा। ये देखिए हाथी आ गया, ये देखिए
हाथी को भी कंट्रोल कर सकते हैं आप। ये देखिए, अगर इसको आप इधर उधर कैमरा का एंगल जूम करना चाहते हैं, इधर उधर स्लाइड करना चाहते हैं, ये देखिए। हमें हमारी कहानी के हिसाब से सिर्फ घोड़ा चाहिए, तो उसके लिए यहाँ जो प्रश्नवाचक का चिन्ह बना है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कई एनिमल्स आ जाएंगे। अब यहाँ से हमें घोड़े वाले आइकन पर क्लिक करना है और एक घोड़ा सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ कहीं भी टाइप करेंगे तो सिर्फ घोड़ा ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। आप देख सकते हैं जितनी बार टाइप करेंगे उतने घोड़े आएंगे। हमें दिखाना है कि एक किसान का खेत है जिसमें कई घोड़े चर रहे हैं, तो उसके लिए हम सिर्फ घोड़ों को ले रहे हैं। आप देख सकते हैं, अब अगर इन्हें दौड़ाना चाहते हैं कि मतलब किसान आ गया तो इन्हें भागा रहा है, उसके लिए हम इन पर टाइप करेंगे। ये देखिए भागने लगेंगे, जितनी बार टाइप करोगे ये सब भाग जाएंगे। तो चलिए, हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने काइन मास्टर ऐप में। इसके बाद ये जो प्लस वाला आइकन बना है इस पर क्लिक करके 16:9 रेशियो सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें वो बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है, उसके लिए हम मीडिया पे क्लिक करते हैं और गैलरी में चले जाते हैं। यहाँ से वो वाला बैकग्राउंड ले लेते हैं। इसके बाद इस बैकग्राउंड की लेंथ को इस तरह से खींच कर अपने वीडियो के हिसाब से बड़ा कर लेना है। और फ्रेंड्स, अगर आपका बैकग्राउंड इमेज हल्का छोटा पड़ रहा है, उसके लिए यहाँ जो दो बॉक्स दिख रहे हैं इस पर क्लिक करके इसे इस तरह से जूम कर लेना है। अब हमें यहाँ उस करेक्टर को लाना है जिसे हमने क्रोमा टून्स ऐप से क्रिएट किया था। उसके लिए हमें लेयर पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करते ही गैलरी में पहुँच जाओगे। आपको यहाँ से उस करेक्टर को ले लेना है जिसका स्क्रीन रिकॉर्ड किया था, वो आपको स्क्रीन रिकॉर्डर फोल्डर में मिलेगा। इसके बाद इसको यहाँ से थोड़ा क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद क्रोमा की ऑप्शन में जाके इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देना है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसको हम थोड़ा यहाँ से और एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा। ये देखिए ये हो चुका है। अब इसे पकड़ के हमें इस दरवाजे के पास लाना है, बिल्कुल इस तरीके से। इसके बाद फिर से इसी करेक्टर वाली लेयर पे आपको क्लिक कर देना है और इसके स्टार्टिंग पोजीशन पे आपको ले आके फिर इस चाबी का आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। फिर इस लेयर को आपको एंड पोजीशन तक स्लाइड कर देना है और इसके बाद इस करेक्टर को पकड़ के आपको इस साइड से इस साइड ले आना है और इसके बाद यहाँ से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद जब प्ले करोगे तो कुछ इस तरह से यह करेक्टर चलने लगेगा। इसके आगे का बनाने के लिए हमें दूसरा बैकग्राउंड चाहिए, तो उसको भी हम मीडिया में जाके दूसरा बैकग्राउंड ऐड कर लेते हैं। इसमें हमने एक कैप्चर करके रखा था इमेज, हम उसी को ऐड करेंगे। ये देखिए, हमने अगला बैकग्राउंड इमेज ऐड कर लिया है। अब हमें इसकी भी सेटिंग पहले की तरह करनी है मूव करने के लिए। चलिए आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये करेक्टर आसमान में लटका हुआ है, इसे हम ज़मीन पर लाते हैं। ज़मीन पर लाने के लिए इस करेक्टर की लेयर पर क्लिक करना है और नीचे की ओर ले आना है, ये अपने आप आ जाएगा। इसके बाद हमें इस करेक्टर को इस तरफ छिपा देना है, कुछ इस तरीके से। इसके बाद यहाँ इस चाबी वाले आइकन पर क्लिक करना है और इस करेक्टर की लेयर को इस साइड में कुछ इतना स्लाइड कर देना है। फिर इस करेक्टर को पकड़ के यहाँ बीच में लाना है। बीच में लाने के बाद यहाँ से ओके कर देना है। इसके बाद इसे फिर से प्ले करके देखते हैं। अब देखिए, ये कुछ इस तरह से बन चुका है। अब ये बीच में आके रुक जाता है और यहाँ से देखता है कि उसके खेत में घोड़े चर रहे हैं और गुस्सा भी करता है। और इसके बाद इसे हमें आगे भी ले जाना है खेत तक पहुँचाने के लिए। उसके लिए आपको इस किसान वाली लेयर पर क्लिक करके इसके बाद इस चाबी वाले आइकन पर क्लिक कर देना है और इसको इस तरफ स्लाइड करके किसान को यहाँ एंड तक ले आना है और यहाँ से ओके कर देना है। इसके बाद इसे प्ले करके देखोगे तो अब ये कुछ इस तरह से बन चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये रुकेगा और गुस्सा करेगा, इसके बाद आगे चल देगा। तो चलिए अब इसमें हम आवाज डाल के आपको दिखाते हैं। चंदनपुर गांव में एक गरीब किसान रहता था। एक दिन सुबह सुबह वह अपना खेत देखने के लिए खेत को जा रहा था। उसका खेत उसके घर से काफी नजदीक था। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि उसके खेत में कई घोड़े चल रहे हैं। अपनी फसल को नष्ट होता देख कर किसान बहुत गुस्से में आ गया और वो घोड़ों को मारने के लिए तेजी से